सिर्फ और सिर्फ वैभव से बात करनी है। कहा है वापस से हरि जी समझा रहे, अरे शांत हो जा वरना किसी को ये चीज का भुगतना पड़ सकता। अरे भुगतेगी तो ये पापा, ये भुगतेगी। सोरा को देखा कैसे चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा इनको, ऐसा हो क्यों रहा, मतलब क्यों चिल्ला रही है ऐसा। वापस से देखा बोले जा रहे हैं मुझे वैभव से बात करनी है, वैभव से बात करनी है पूरे। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, जाए बुलाए ना वैभव को। देखा आप लोगों के पास आया चिल्ला के, इतने में वहां भाइयों के पास गया। अरे तुम लोग क्यों खड़े हो, खड़े हो देखो, बुलाओ ना वैभव को। कहां गया वैभव, दद्दा पर हुआ क्या है। मनोज ने पूछा अरे भाभी भाभी आप रो क्यों रही है। इसने बोला सोरा ने, अरे प्लीज प्लीज अपने भैया को समझाइए वरना अनर्थ हो जाएगा, सारा सच्चाई सबको सामने बता देंगे। टेंशन वहाँ पे मनोज बोल रहा, अरे बुलाओ जाके बुलाओ। यहाँ से देखा ये रो रही है, सोरा रो रही है, पूछा अरे प्लीज प्लीज अपने भैया को रोक लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा, वरना सारा सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज ये क्या बात कर रहे हैं। देखा यहाँ पे इसमें अजंता ने पूछा, लेकिन भाभी कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो और आप रो क्यों रही हैं, बताइए तो। वहां से मनोज वापस से देखा चिल्ला रहा, अरे डायन है ये डायन, इसके वजह से मेरा 25 साल नुकसान हो गया। शौक शौक जो क्या बात कर रहे, 25 साल मैं अपने फैमिली से दूर रहा, अपने माँ बाप से दूर रहा। देखा ये क्या बातें कर रहे 25 साल वाली। बोल रहा था, अरे नागिन है ये नागिन, इसके चलते मेरे 25 साल बर्बाद हो गए। अरे ये कहती थी, क्या चल रहा है बेटा, कंटिन्यू वाइंड ट्रैक बैक। ये कहती थी ना कि इसके भाइयों से 25 पैसे लिए हैं। अरे बल्कि सच तो ये है कि कोई पैसे लिए ही नहीं थे सब। क्या देखा सोरा को यहाँ पे ज्योति, देखा इस साइड सोरा, यहाँ पे भाभी ने झूठ क्यों बोला, पैसे लिए ही नहीं थे। अरे इसके चलते ये नागिन है नागिन, इसके चलते मेरे भाई मेरा अक्षय सड़कों पे आ गया, ना वो पढ़ पाया ना लिख पाया। देखा ज्योति अक्षय के लिए बुरा लग रहा है, देखा कैसे है सोरा भाभी को, देखा क्यों भाभी आपने क्यों किया ऐसा मेरे पति के साथ, क्यों किया आपने ऐसा। हाँ देखा सब चिल्लाए जा रहे वापस वहां से, सब समझा रहे ठीक है भैया भैया शांत हो जाइए कोई बात नहीं। वहां पे सब पकड़ रहे समझा रहे, अरे कोई मुझे किसी से बात करनी नहीं है, वैभव को बुला, कोई बुलाता क्यों नहीं, कहां है वैभव, मुझे उसे सारी सच्चाई बतानी है। बहुत ज्यादा हाई पर हो गए नागिन, तो फिर चिल्लाने पे अचानक आवाज आई, क्या सच्चाई पापा ट्राई पिछले कम दो वापस लोग देना एक्शन। वहां देख रहे थे, बोल रहा था कैसी सच्चाई पापा, लो जो शॉप देखा है ये, और फाइनली देखा वहां सोरा भागते हुए गई उसके पास। कंटिन्यू वैभव, वैभव बेटा तू इनकी बात सुनी मत, तू चल ऊपर में तेरे को चाय पानी देती हूँ, तू आराम से रहे। ये पता नहीं क्या हो गया इनको, बात ही कर रहे। अरे मम्मी पर हुआ क्या है, देखा वापस से ऐसे भाग के आया। अरे क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है, कोई मम्मी मम्मी नहीं है तेरी, क्या हो रहा है क्यों, मतलब ये देखा वहां पे वापस से सोरा, सोरा पीछे प्लीज चुप हो जाए, प्लीज शांत हो जाइए। देखा सोरा को पीछे धक्का दे दिया, देखा आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी, धक्का देने से रोने का अभी गिरी नहीं है, मम्मी जी को धक्का दे दिया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्या कर रहे हैं पापा। देख बेटा मैं तुझे एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। तू हमारा बेटा नहीं है। शौक क्या बोल रहे हैं ये, क्या भाई पापा ये क्या बातें बोल रहे हैं, तू हमारा बेटा नहीं है वैभव। देखा ये वैभव चल के मम्मी, ये देखा ये गिर गई नीचे, क्या नर्क कर दिया आपने। देखा है वैभव चल के मम्मी, जब इनको ये हजम ही नहीं होती तो क्यों पिला देते हो भांग वांग। देखा ये चल के आ रहे, मैंने कोई भांग नहीं पिया, मैं सही बोल रहा हूँ। और उसने वहां पे बोला ये राहुल, राहुल तेरा सगा भाई है, तेरा जुड़वा भाई है। क्या राहुल सगा भाई, तन्नी को बोला, तन्नी को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक राहुल और दूसरा है तू ट्रैक, एक राहुल और दूसरा है तू ट्रैक। डिसबिलीव कंटिन्यू। देखा वहां पर मम्मी के पास टर्न करके बोलने लगा, मम्मी पापा क्या बोल
अरे क्या मम्मी 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 कर रहा है, मैं बता रहा हूँ ना।